दिए गए हैं, इसमें से बच्चों को फाइंड करना है कि किस फ्रूट में सिंगल सीड होते हैं और किस फ्रूट में मेनी सीड्स होते हैं। जैसे एप्पल, एप्पल में मेनी सीड। पपाया, पपाया में मेनी सीड। मैंगो सिंगल सीड। ऑरेंज मेनी सीड। गुआवा मेनी सीड। कैसिव सिंगल सीड। एंड कस्टर्ड एप्पल मेनी सीड। सो बिल्कुल इस तरह से एक सिंपल वर्कशीट की हेल्प से हम बच्चों को बता सकते हैं कि किस फ्रूट में सिंगल सीड होते हैं और किस फ्रूट में मेनी सीड्स होते हैं। नेक्स्ट इज मार्क अ टिक विच इज करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज आवर नेशनल फ्लावर। ऑप्शन इज लोटस, डेजी, मॉर्निंग ग्लोरी, ब्लू बेल। विच इज आवर नेशनल फ्लावर? लोटस। सेकेंड क्वेश्चन इज विच एनिमल लिव्स इन वॉटर। कौन सा एनिमल पानी में रहता है? पिग, फॉक्स, काउ, फिश। सो आंसर इज फिश। नेक्स्ट विच बर्ड कैन सी एट नाइट? क्रो, हैन, आउल, डक। सो आंसर इज आउल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू समर सीजन। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, इसमें से कौन सी पिक्चर समर सीजन से रिलेटेड है वहां पर हमें टिक करना है। जैसे आइसक्रीम, अम्ब्रेला, फायर, टी शर्ट। सो विच इज रिलेटेड टू समर? आइसक्रीम। नेक्स्ट है राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चों को इस तरह से क्वेश्चन आंसर की एक्सरसाइज करवाई जाती है जिसमें उन्हें आंसर वन वर्ड्स में करना होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री? आपके देश का नाम क्या है? सो आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट इज विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? हमारे देश का नेशनल बर्ड यानी राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सो आंसर इज पीकॉक, मोर। नेक्स्ट इज विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ अवर कंट्री? हमारे देश का राष्ट्रीय जानवर कौन है? सो आंसर इज टाइगर। विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? हमारे देश इंडिया का नेशनल यानी कि राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आंसर इज लोटस। नेक्स्ट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अवर कंट्री? हमारे देश की राजधानी क्या है? दिल्ली। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ अवर नेशन? हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। व्हाट आर द पीपल लिविंग इन इंडिया कॉल्ड? इंडिया में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? इंडियन। ठीक, इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस बनाकर बच्चों को जरूर दें। इस तरह की एक्टिविटी वर्कशीट से बच्चों का जनरल नॉलेज काफी इम्प्रूव होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द एनिमल्स एंड बर्ड्स टू देयर फेवरेट फूड। आप बिल्कुल इस तरह से कुछ स्टिकर्स चिपकाकर बच्चों को दे सकते हैं और उन्हीं एनिमल्स के फेवरेट फूड की स्टिकर्स भी आप स्टिक करिए। इस वर्कशीट की हेल्प से आप बहुत आसानी से बच्चों को बता सकते हैं कि किस एनिमल को क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद होता है। जैसे कि यहाँ पर रैबिट है, रैबिट की सबसे फेवरेट फूड क्या है? कैरेट। मंकी, मंकी का फेवरेट फूड बनाना। डियर ग्रास। एलिफेंट सुगर कैन। पैरोट चिलीज। एंड डॉग्स फेवरेट फूड इज मिल्क। नेक्स्ट इज राइट पार्ट्स ऑफ बॉडी। बच्चों को इस तरह से पिक्चर्स की हेल्प से बताया जाता है कि किस बॉडी पार्ट को क्या कहा जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा भी कहेंगे कि यूकेजी में बच्चों को हम किस तरह से बॉडी पार्ट्स के नेम लिखने के लिए कहें, पर यकीन मानिए अगर आप धीरे धीरे करके स्पेलिंग की प्रैक्टिस बच्चों को करवाएंगे तो जब वो क्लास फर्स्ट में जाएंगे तो उन्हें वर्ड्स याद करने में बहुत आसानी होगी। अभी उनके पास काफी सारा समय है, वो आसानी से छोटे छोटे वर्ड्स को याद करना सीख सकते हैं। इसीलिए आप बच्चों को सिंपल सिंपल वर्ड्स की लर्निंग करवा सकते हैं। ऐसा करने से उनके रीडिंग में भी काफी इम्प्रूवमेंट होगा और वो आसानी से वर्ड्स को रीड करना सीखेंगे। सो इस तरह से आप बच्चों को पिक्चर्स की हेल्प से पार्ट्स ऑफ बॉडी की नॉलेज जरूर दें। जैसे आईज, ईयर, नोज, हेड, माउथ, शोल्डर, एल्बो, हैंड,
नी, लैग, टो, फुट। सो इस तरह से आप बच्चों को पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में बता सकते हैं, और जब भी आप पार्ट्स ऑफ बॉडी की स्पेलिंग उन्हें लर्न करवाएं तो सबसे पहले उन्हें एनी फाइव पार्ट्स ऑफ बॉडी की स्पेलिंग लर्न करवाएं, और जब बच्चा स्पेलिंग लर्न करने लगे उसके बाद आप धीरे धीरे नंबर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चा सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी की स्पेलिंग भी लर्न करना सीख जाएगा। नेक्स्ट इज क्रॉस आउट ऑफ अ थिंग्स दैट आर इन रॉन्ग प्लेस। यूकेजी में बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया जाता है कि थ्री टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। और सिंपल एक्टिविटी के थ्रू उन्हें बताया जाता है कि रोड पर कौन से व्हीकल चलते हैं, एयर में कौन से व्हीकल चलते हैं और वाटर में कौन से व्हीकल चलते हैं। जैसे कि इस वर्कशीट में है, बच्चों को क्रॉस करना है कि कौन सा व्हीकल कहाँ पर नहीं चलता। जैसे कि यहाँ पर रोड की इमेज है, वैन चलता है, कार चलता है, पर बोट रोड पर चलता है नहीं, तो इसे हम क्रॉस करेंगे। एयर ट्रांसपोर्ट में कौन से व्हीकल चलते हैं, बस, हेलीकॉप्टर, तो बस को हम कट करेंगे बिकॉज बस इज रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। वाटर ट्रांसपोर्ट, इसमें इमेज है हेलीकॉप्टर की और बोट की, इसमें से कौन से व्हीकल वाटर में चलते हैं, बोट, तो हम हेलीकॉप्टर को कट करेंगे। सो इस तरह से सिंपल वर्कशीट की हेल्प से आप बहुत आसानी से बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन के कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। सो दिस इज आवर यूकेजी क्लास जीके वर्कशीट। इस वर्कशीट की हेल्प से आप बहुत आसानी से बच्चों को जीके की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आई होप इससे आप सभी को काफी हेल्प मिली होगी। यह वर्कशीट आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में बने नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें, उससे आपको रेगुलर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।